दोस्तों स्वागत है आप सभी का रेडिक पे। इस वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग नॉइस एक्टिव वायरलेस ईयरफोन्स की, जानेंगे क्या कुछ मिलता है बॉक्स में, साथ ही प्रैक्टिकल यूजर एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं रेडिक, आइए जानते हैं। दोस्तों फाइनली स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी टेबल पे। हम यहाँ करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, बॉक्स कंटेंट्स के बारे में जानेंगे, एक तरह से ओवरव्यू देखेंगे इसमें क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले जान लेते हैं बॉक्स के ऊपर क्या दिया गया है। बॉक्स में ऊपर पैकेजिंग आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। फ्रंट में इस ईयरफोन का फोटो दिया गया है बड़ी ही खूबसूरत तरीके से। यहाँ पे नॉइस की ब्रांडिंग भी आपको दिख जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है ब्लूटूथ नेक बैंड। वहीं साइड की तरफ हैशटैग एवरीडे म्यूजिक लिखा गया है। पीछे की अगर हम बात करें तो पीछे में कुछ डिटेल्स हैं, बहुत ही ज़रूरी डिटेल्स जो इस ईयरफोन के बारे में हमें बताती हैं। यहाँ पे दिया गया है फुल रिमोट कंट्रोल, 10 घंटे की प्ले टाइम बताई गई है, देखेंगे ये कितना घंटा चलता है। साथ ही यहाँ पे मैग्नेटिक ईयरबड्स भी दिया गया है, दोनों आपस में चिपक जाते हैं। बेसिकली IPX5 वाटर रेजिस्टेंट, यानी कि ये वाटर प्रूफ नहीं है बट वाटर रेजिस्टेंट या स्वेट रेजिस्टेंस आप जो भी कह लो, ये आपको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मुहैया करा देगा। अब इसको खोलते हैं बिना किसी देरी के। बॉक्स खोलने के साथ ही हमें मिलता है कुछ पेपर मैनुअल्स, इसको हम रखते हैं साइड में। इसमें इंस्ट्रक्शंस पूरी तरीके से दिए गए हैं, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। बॉक्स और ये हम थोड़ी देर के लिए रखते हैं साइड में। अब आते हैं ईयरफोन पे। पैकेजिंग इसकी काफ़ी एवरेज सी है जो मैं देख पा रहा हूँ। अगर हम इसको निकालें सही से, एवरेज है लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइट है। इसको आपको बहुत ही सावधानी से निकालना है, ये मैं वार्न कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइट है। आप इसको तोड़ मत देना पूरा दम लगा के निकालने के चक्कर में। तो ये आ गया हमारा ईयरफोन्स, इसको ऐसे आप चिपका सकते हो। साथ ही इसमें एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी दिया गया है, आप चाहो तो रेगुलर यूज कर सकते हो, चाहो तो आप एरोडायनामिक ईयर टिप्स यूज कर सकते हो। इसमें आपको टोटल, एक मिनट चेक कर लेते हैं, इसमें आपको टोटल 2 एयर डायनामिक ईयर कुशंस मिल जाएगा और साथ ही आपको 2 पेयर छोटा और बड़ा साइज का ईयर कुशन रेगुलर जो हमें देखने को मिलता है ईयरफोन्स में वो मिलेगा। यहाँ पे इसका USB चार्जर दिया गया है, इसके थ्रू आप चार्ज कर सकते हो। इसके साथ कोई पावर अडेप्टर नहीं आता है, नॉर्मली जिस पावर अडेप्टर से आप अपने फोन को चार्ज करते हो उससे चार्ज कर सकते हो इस ईयरफोन को भी। अब आते हैं अपने ईयरफोन पे। यहाँ पे ईयरफोन की डिजाइन बहुत अच्छी, बिल्ड क्वालिटी तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन हां काफी अच्छी है। प्लास्टिक है, कंप्लीटली प्लास्टिक है, ऊपर में रबर दिया गया है। आप इसे अगर यूज, तो ये पूरी तरीके से रबर है, नेक बैंड है, सॉलिड नेक बैंड मुझे पसंद भी नहीं था इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। साथ ही यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रिप मिल जाता है जो मैंने शुरू में बताया। साथ ही यहाँ पे हमें मिलता है वॉल्यूम कंट्रोल बटन, प्लस और माइनस का, पावर ऑन ऑफ बटन और कॉल रिसीव बटन भी इसी में दिया गया है। यहाँ पे आप USB चार्जर देख सकते हो, इसके थ्रू आप अपने ईयरफोन को चार्ज कर सकते हो। बेसिकली ये रहा माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट, इसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हो। दोस्तों इस ईयरफोन को मैं काफ़ी वक्त से टेस्ट कर रहा हूँ और इस ईयरफोन को मैंने टेस्टिंग के लिए नहीं लिया था बल्कि पर्सनल यूज़ के लिए लिया था। यहाँ पे कुछ बातें जो वायरलेस ईयरफोन्स के केस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो मैं यहाँ पे कवर करना चाहता हूँ। जहाँ पे बात होगी सबसे पहले ब्लूटूथ वर्जन की, तो इस ब्लूटूथ ईयरफोन में हमें ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है ब्लूटूथ वर्जन 5 जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के लिहाज से कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, तो वो होती है नॉइस कैंसिलेशन। वायरलेस ईयरफोन्स के केस में एक बहुत बड़ा फॉल्ट रहता है कि जो बजट वायरलेस ईयरफोन्स रहते हैं उनमें नॉइस कैंसिलेशन बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। जब भी आप कॉल रिसीव करते हो, कॉल करते हो, तो वहां पे आपको नॉइस कैंसिलेशन ना के बराबर देखने को मिलता है, बट इसके केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आउटडोर हाई ट्रैफिक में भी इसको यूज किया और वॉइस बहुत ही ज्यादा क्लियर जाता है और आपको सुनाई भी देता है, बहुत ज्यादा लाउड है। 10 mm की ड्राइव लगी हुई है तो यहाँ पे बेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिलता है।
मिलता है। साथ ही ये स्वेट प्रूफ और वाटर प्रूफ है, तो यहाँ पे हमें इसका फायदा भी देखने को मिलता है कि ये वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है। इनकेस बारिश में आप पहन के घूमते हो बाहर, तो ऐसा नहीं है कि ये तुरंत खराब हो जाएगा, ये प्रोटेक्शन मुहैया कराता है वाटर से भी और स्वेट से भी। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी बैटरी कितनी है। तो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि कोई भी ईयरफोन जब आप यूज करते हो ना वायरलेस, और खासकर जो इतना पतला हो, बहुत ज्यादा पतला है, डिजाइन बहुत स्लीक है इसकी, तो ऐसे केस में बैटरी बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में पाया कि जो बैटरी है वो कॉन्स्टेंट अगर आप यूज करते हो मिड टू हाई वॉल्यूम में, मतलब लो वॉल्यूम में नहीं, मिड टू हाई वॉल्यूम में अगर आप कॉन्स्टेंट यूज करते हो, तो यहाँ पे 6 से 7 घंटे की बैटरी कंप्लीट मिलती है। उसके बाद भी कुछ बैटरी बच जाता है 10-15% के अराउंड। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज करते हो, कॉन्स्टेंट नहीं, नॉर्मली यूज करते हो, गाने सुनते हो कुछ देर, फिर कॉल रिसीव करते हो, कनेक्टेड रहता है, तो इसका स्टैंड बाई टाइम काफी बेटर है, अराउंड 10 आवर्स के आसपास का आपको ये सर्विस दे सकता है, जो कि कंपनी क्लेम भी करती है। लेकिन मैंने पूरा 10 आवर्स एग्जैक्ट नहीं मेजर किया है, यहाँ पे मुझे 2 डेज के आसपास का बैटरी बैकअप मिला है इन रेगुलर यूज, जहाँ पे मैं कॉल भी रिसीव कर रहा था, गाने भी सुन रहा था और कई सारे मल्टीमीडिया कंजम्पशन भी कर रहा था। ऐसे केस में जब आप इसके साथ गेम्स भी खेलते हो तो उस दौरान भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कोई इशू नहीं आया। गेम खेलने वक्त जो बोलते हैं वायरलेस में आपको लैग देखने को मिला साउंड में, ऐसा कुछ लैग इसके साथ नहीं है। साथ ही जो हम बैटरी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर आप ये सब कुछ करते हो, गाने सुनते हो, गेम्स खेलते हो और कॉल रिसीव करते हो इन डे टू डे बेसिस, तो यहाँ पे ओवरऑल 8 से 10 घंटे के आसपास टाइम आपको मिल जाएगा इसके साथ, डिपेंडिंग कि आप इसको यूज किस हिसाब से करते हो। मैंने मैक्स वॉल्यूम में इसको यूज नहीं किया है, टू बी वेरी फ्रैंक, टेस्टिंग के लिए, साउंड क्वालिटी के लिए मैक्स वॉल्यूम में मैंने यूज किया था इसको, और ये बहुत ज़्यादा लाउड है, बिलीव मी ये काफ़ी ज़्यादा लाउड है। यहाँ पे एक कॉन जो मैंने नोटिस की इसके साथ, कि ऑब्वियस सी बात है बजट प्रोडक्ट है, कॉन्स होंगे, तो यहाँ पे जो कॉन मैंने नोटिस किया वो ये कि जब आप इसको बहुत देर तक यूज़ करते हो, मीन्स कान में लगा के बहुत देर तक गाने सुनते हो, बहुत देर का यहाँ मतलब है 4 से 5 घंटे के अराउंड अगर आप सुनते हो, तो कान में हो सकता है आपको थोड़ी पेन फील हो, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील ना हो। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि आपकी साइज़ क्या है कान की और आप कौन सा ईयरबड्स यूज़ करते हो, क्योंकि इसमें 2-3 दिए गए हैं, तो आप वो अगर लगा के यूज़ करते हो जो कंफर्टेबल हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे को कई बार कान में पेन फील हुआ, उसके बाद मैंने इसको उतार के रख दिया था। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है जो मैंने फेस किया, आमतौर पर हो सकता है आप ये फेस ना करो। दोस्तों साउंड क्वालिटी के लिहाज से ये ईयरफोन काफ़ी बेस्ट है, मैंने 2-3 ईयरफोन्स को टेस्ट किया वायरलेस इस प्राइस रेंज में, के अराउंड 1000 से 1500 के रेंज में। यहाँ पे ये ईयरफोन जितना अच्छा नॉइस कैंसिलेशन, वॉइस क्लैरिटी और ऑडियो क्लैरिटी देता है उतना शायद कोई भी नहीं देता। 10mm की ड्राइव बहुत ही ज्यादा फैबुलस तरीके से काम करती है, यहाँ पे बेस हमें बहुत अच्छा देखने को मिलता है और वॉइस क्लैरिटी जब आप बात करते हो कॉल पे तो वो भी काफी क्लियर है, सामने वाले को पता नहीं लगता कि आप ईयरफोन या ब्लूटूथ ईयरफोन से बात कर रहे हो, तो इतनी ज्यादा क्लियर वॉइस है। और यहाँ पे आपको ऑडियो भी उतनी ज्यादा अच्छे से सुनाई देगी, जो मेन पर्पज होता है ईयरफोन का वो निभाता है। और इस बजट में हम इससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ पे ये अपने प्राइस को पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है, वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप डिटेल जानना चाहते हो, करंट प्राइसिंग चेक करना चाहते हो, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। सो गाइस ये थी पूरी डिटेल, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो या फिर ब्लूटूथ ईयरफोन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप आराम से पूछ सकते हो। मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।